नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर प्रदेश के दौसा जिला मुख्यालय से है, जहां भारतीय जनता पार्टी दौसा द्वारा गहलोत सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली गई। जिले भर में के कार्यकर्ता वीर हनुमान मंदिर परिसर में जुटे, जहां पर सभा करने के बाद सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। धरना प्रदर्शन के बाद भाजपा ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जिला अध्यक्ष रतन तिवारी ने कहा कि प्रदेश में आए दिन दुष्कर्म, चोरी, डकैती, हत्या व युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर छला, बिजली के बिलों में अतिरिक्त चार्ज लगाकर गरीबों के साथ धोखा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। इस दौरान रैली में राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह गुजर, जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी, जिला परिषद सदस्य नीलम गुजर, मुही सरपंच पंकज शर्मा, दौलत राम मीना, केदार प्रसाद, रामविलास सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दौसा से गणेश योगी की विशेष रिपोर्ट। इन्होंने कहा था कि हम ये बिजली के बिल कभी नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने हर बार बिजली के बिल बढ़ाए और इस महीने में भी हम सब ने जो बिल भरा है उसमें 33 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से और एक्स्ट्रा दिए है। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये गहलोत सरकार नाकामयाब है। ये अपने कुर्सी बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ने में इन्होंने 3 वर्ष पूरे कर दिए और हमारे लोकल जो 3 मंत्री हैं वो तीनों अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपना अपना मंत्रिमंडल में स्थान पक्का करने के लिए केवल गहलोत सरकार की परिक्रमा करते रहे। कोई सचिन पायलट साहब की परिक्रमा करता रहा, लेकिन इस जनता के ऊपर उन तीनों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुल मिलाकर दौसा जिला आज बहुत पछता रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को क्यों वोट दिया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में यदि इनका यही रवैया रहा तो 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए।